तो तो मेरे लिए तो दोनों भाई इन होती रहती है बातें इनसे होती कि उन दोनों का वो बड़ापन और लोगों ने एक टाइम पे अब होता है ना कई बार आप रिएक्ट करते हो किसी चीज पे तो रिएक्शन हुआ हो सकता है लोगों ने चीज़ समझ ली कि यार ये तो परमानेंट एक इंसान किसी के लिए घृणा लेके ही बैठा है और हम सब वी वी ऑल लिव बाय दैट ऑन इंटरनेट स्पेशली एब्सोल्युटली वी नेवर गो भाई आओ चलो मिलके काम करें नंबर्स उसके बड़े आते हैं तो दुनिया तब तो अप्रिशिएट करती है mm. यही चीज हमारे ऐसा कोई आर्टिस्ट अगर ग्रैमी लेके बैठा होगा ना तो यही लोग जो उसे गाली दे रहे थे यही बोलेंगे पापा जी. सिंपल सा फंडा है और वो लोग, लोग नहीं है mm. मुझे इफेक्ट करता था किसी का कमेंट करना के कोई इंसान कमेंट करता है बट जब आप उनकी प्रोफाइल है उनको खोल के देखो ना तो उनका कोई वजूद ही नहीं है डीपी yeah. नहीं दिख रही है कोई पोस्ट नहीं कुछ नहीं है वो सिर्फ बैठे ही इसलिए है कि वो चीज करे तो उनका कोई वजूद नहीं है yeah. मेरी जिंदगी में जो लोग सच में टर्न अप करने आते हैं जो लोग अपना हार्ड एंड मनी देते हैं अपना ब्लड एंड स्वेट से वो पैसा कमाते हैं घंटों लाइन पर लगते आते हैं वो असली जिंदगी है इफ यू आर बींग फूल एंड यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक वट यू वॉन्ट इन अ ट्रैक

my guest today is musical, wonderful, and absolutely honest. he truly is the king. i'm talking about, of course, the king. hello. <laughs> thank you so much. thank you for coming to the wow. show and doing this. jessaminekaha, honest. the last time we spoke, you dropped some truth bombs, and we should continue doing so. Okay. and since then, you've only, like i was telling you, gone higher and higher in your career. Uh, मुझे वहीं से शुरुआत करती हूँ मैं जब मैं सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट को जिस तरह का सपोर्ट हम होमग्रोन hmm. देते हैं हम hmm. लोग खुद के लोग देते हैं hmm. हम अपने इंडियन आर्टिस्ट को उतना सपोर्ट नहीं देते हैं बट सिंस देन यू हैड सो मेनी ऑफ पीपल कमिंग आउट एंड शोइंग मैसिव सपोर्ट फॉर यू क्या आपको लगता है आज रुख बदला है इस हवा का थोड़ा बिल्कुल आई फील लाइक लोग हर उस आर्टिस्ट के लिए टर्न अप करते हैं जिनसे वो दिल से कनेक्ट करते हैं नंबर से नहीं

कि हम हमेशा क्रिटिसाइज करने आते हैं कि अरे यहाँ से फिसल गया यहाँ से गिर गया यहाँ जुबान ऐसी हुई है यहाँ वो हो गया ये बट देन जब भी, भी कोई चीज अच्छी होती है तो हम हम उसको हमेशा लेते हैं कि अरे ये तो वहां पर हो चुकी है या अरे ये तो हो गया जी। राइट या फिर अरे ये तो कोशिश कर रहा है वो करने की सो देने बड़े हर कलाकार हमेशा कोशिश ही करता है हमेशा वो कहीं भी वो कोई भी चीज़ अगर पुट आउट कर रहा है वो कोशिश ही है एक अच्छी चीज इस मैट्रिक्स में ग्लिच यही है कि के, <laughs> <laughs> के लोग उनके लिए टर्न अप करना चाहते हैं जिनसे वो दिल से कनेक्ट करने लगे आ, या फिर जिनके कैरेक्टर को वो पसंद करते हैं जी. तो लोग अब इतना ज्यादा लोग स्क्रीन पे चीजें देख चुके हैं ना कि उन्हें कुछ रियल देखना है आ, मुझे ऐसा लगता है आ, मेरे शोस पे आने वाले वही लोग होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं स्क्रीन से बड़ा होते हुए दिखा राइट हु जब वो लोग आके देखते हैं तो उनको और अलग चीज़ें देखने को मिलती है और भी काफ़ी अलग आस्पेक्ट दिखता है और कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने पहले किसी शो को किसी शो में नहीं गए होते लाइक कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट तो वो आते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस होता है कई बार हम बार भी सेट कर देते हैं कई बार क्या हर बार सो आई मीन यही है गोल उस चीज़ का कि लोग ज्यादा से ज़्यादा आएँ आप दिलजीत पाजी के शोज देखिए अभी टू कर नौजला मेरा भाई अभी टोर करने जा रहे हैं

गो समेयर इन लाइफ लाइक मतलब बड़ी आ, आर्टिस्ट्री ना बड़ी ऐसे स्पॉट पे चलती है कि ये कम्फर्ट और ये रिस्क जी। इसके बीच में लाइ करता है आर्टिस्ट मेरे ऐसा आर्टिस्ट इसके बीच में लाइ करता है और जब भी, भी निकलता है तो इस सर्कल में जाना ज्यादा पसंद करता है जो कम, जो बाहर का है राइट रिस्क वाला है क्योंकि ये मेरी क्यूरियस साइड है कई सारे आर्टिस्ट इधर रहना पसंद करते आए बीच में मिड पॉइंट आए काम कर और वापिस कम्फर्ट आए मिड पॉइंट वापिस कम्फर्ट तो आई थिंक ये वो चीज़ें होती हैं जब तक ऐसी चीज़ें होनी शुरू नहीं होंगी और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही जितने भी अपकमिंग हैं वो सब कर रहे हैं तो आई थिंक ये होनी बहुत जरूरी है और म्यूजिक क्योंकि क्यूरियोसिटी है मेरी इसलिए मेरे लिए बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि इसको अगर मैं इस चीज़ के साथ लगाऊंगा तो क्या होगा या इस इस आर्टिस्ट के सोनिक्स जो ये यूजुअली बनाता है और उसको अगर मैं इसमें करूंगा तो कैसा होगा तो आई थिंक वही चीज़ है जो मेरे को दैट कीप्स मी गोइंग कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या एंड दूसरा मैं मतलब मैं पता नहीं मैं गलतियां करने से डरता नहीं हूं मतलब आर्ट ही तो है ड्राइंग ड्रॉइंग एक क्लास में अपने बहुत सारे बच्चों को दी ड्राइंग बनाने के लिए कोई जल्दी ड्राइंग करनी सीख जाएगा कोई लेट सीखेगा बट जो जिसको बनाना है अगर वो उस पर टाइम देगा वो बना देगा ये। तो ये बिल्कुल वैसा ही है तो मैं भी क्लास का वो बच्चा हूँ जो हर ड्राइंग कभी कभार थोड़ी गलत कर देता हूँ फिर दोबारा ठीक करता हूँ फिर ये करता हूँ तो अच्छा लगता है मैं भी इस सीजन मैंने सिर्फ कोलैब ही करी है तो बहुत से नहीं करी थी। मैंने फिर इंटरनेशनल करनी शुरू करी फिर अब मैंने पूरा लाइक देसी हिप हॉप सबके साथ कोलैब है बहुत मजा आया मेरे को तो यही है, मतलब it's, it's कोई चीज ग्रो ही होती हुई देखी है मैंने दस साल तक फेन hmm. फेस्ट हर बार एंड देन जिस भी तरीके से जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिस तरीके से वो उन्होंने जो एक हाइजीन मेंटेन कर रखा है ना जी yeah. मैं बहुतों को बहुत पसंद करता हूँ जो हाइजीन मेंटेन कर रखा है उन्होंने एक यूट्यूब करके पीपल सी इट एज अ कम्युनिटी के हाँ hmm. यार इंटरनेट पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक हाइजीन और एक स्टैंडर्ड सेट है किसी चीज़ yeah. का विच आई रियली एडमायर आई एम सो थैंकफुल दैट उन्होंने ये मेंटेन कर रखा है

होम ग्राउंड डेली में हम एल्बम लॉन्च कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे पास के uh, बहुत टाइम से मैं टूर पे भी नहीं गया बहुत सारे yeah. बहुत टाइम से कॉन्सर्ट भी नहीं करे मैंने क्योंकि आई वाज डूइंग माय एल्बम तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छी वो वॉर्म्ड फीलिंग है जो yeah. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मिले और वो प्यार रहे तो मैं बहुत अच्छी चीज़ एक yeah. बहुत अच्छी एनर्जी लेके जाऊंगा yeah. यहाँ से और मतलब आई बिलीव इन गिविंग द पॉजिटिव एनर्जी टू दीपल नहीं बिल्कुल यूट्यूब की बात की किंग बहुत मुश्किल होता है जब आप

अब ये बात अच्छी भी है ये बात बुरी भी है <laughs> अब ज्यादा फंसे हुए इसमें मुझे नहीं लगता है पर पता नहीं मुझे आपसे पूछना चाहिए नहीं मेरे से इंसान अब वो ये ना कि जब मतलब ये बात मैं जान रहा हूँ तब ये एड्रेस करी मैंने ये चीज क्योंकि मुझे पता ही ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी ये एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट्री करने से रोकती है बहुत जगह के यार चलो एक नंबर वाला गाना बना देते हैं यार चलो यार मेरे भी गाने पे ये नंबर हर किसी का सपना होता है और वो फॉर्मूला के नाम पर कुछ भी लोगों पर थोपा जाता है बार बार थोपा जाता है जी। और चीज की शेल्फ लाइफ भी बहुत छोटी होती है इसीलिए मतलब ये वर्ड आ गया म्यूजिक के अंदर कोई शेल्फ लाइफ जैसी कोई वर्ड मेरे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता म्यूजिक की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है बट जब आप इन गेम्स में घुसोगे ना नंबर गेम्स तब आप शेल्फ लाइव वर्ड सुन लोग इंडस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल विच इज़ रियली बैड एक और चीज़ मुझे लगता है आपने हमेशा से काइंड ऑफ प्राउडली एक्सेप्ट किया कि जहां से आप आते हो है ना यू यू नेवर टोल्ड दैट यू नो आप में जो देसीपन है वो हमेशा आपके गानों में भी छलकता है यू नो आफ्टर पॉइंट जो आप इंटरनेशनल क्लैब्स करने लग जाते हो तो कुछ लोग बदल जाते हैं पर मुझे लगता है यू हैव ऑलवेज मेड श्योर कि

जब आप कैंस जाओगे hmm. तो आपको ये चीज पता लगेगी कि वहां लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है hmm. वहां पर आप कहीं भी बोर्ड्स में भी कहीं भी आप ये चीजें नहीं देखोगे yeah. तो वहां पर जब आप किसी से कोई कम्युनिकेशन uh, करते हो तो बहुत लिमिटेड इंग्लिश में आप बात करते हो hmm. वहां पर एंड वो लिमिटेड इंग्लिश एक्चुअली में एक एक्सेंट होता है जो कि इंटरनेशनली यूज होता है जब लोग वहां से टूरिस्ट आते हैं और वहां yeah. बैठ के वो बात करते हैं वहां के लोकलाइज से yeah. तो ऐसे अरे सो नाइस टू मीट यू देट इट ये तो right? ले तो, ले हाँ तो आपको बिल्कुल वैसे ही एक्सेंट देना पड़ेगा जैसे <coughs> इंटरनेशनल टूरिस्ट आके वहां वहां लेते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड इंग्लिश समझते हैं जी जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल वैसी है कि मैं एक हफ्ते से वही चीजें कर रहा था करते, करते 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 वो जो चीज होती है तो आपके साइकीन हो जाती कि आपसे जो भी चीज पूछ रहा है कोई तो आपको एक सर्टन तरीके से जवाब देना है क्योंकि कई बार हम फेनेटिक्स समझते हैं वर्ड नहीं समझते जी बिल्कुल तो जैसे वो इंग्लिश में यूज नहीं आज समझ रहे हैं

कुछ लोगों में है yeah. वो चल रहा है yeah. और कुछ को गाली देना है वो hmm. वो गाली देते रहेंगे अपने yeah. उस बीच में आज आप इस चीज़ को कैसे देखते हो uh, आपने आपकी भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन पर आप भरोसा कर सकते हो इस mm -hmm. इंडस्ट्री में आपने भी <coughs> कमाए हैं तो वो कौन है और uh, आप इस

एंड वो सब मेरे बारे में अच्छा मतलब अच्छा मानते हैं अच्छा इंसानी मानते होंगे तभी वो सब आया और उन सब ने अपना अपना ट्रैक्स किया और इतना बड़ा कैटलॉग नाम भी, भी बोल सकते हो नाम कार? नाम तो भाई नाम तो आ, आ, <laughs> रुको ना मैं बताता हूँ राधे मौत <laughs> <laughs> एम सी हीन अभिजे रफ्तार भाई तलायनुस इक्का और कौन कौन नितिन बहुत सारे नाम है यार <laughs> हाँ स्टैनी स्टैनी hmm. अरे कब, दो तारीख को रहा मेरा ट्रैक मिरर स्टैनी <laughs> कोई <नी>? <laughs> बहुत सारे आर्टिस्ट <laughs> हैं बहुत सारे बहुत सारे अमेजिंग 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 बहुत सारे पर आई थिंक यही था ना कन्वर्सेशन कि कहीं मैंने के? ना एक, मतलब मैंने एक जगह ना ये बात हुई थी मतलब तो मेरे से ये चीज ऐसी नहीं बट डिफरेंट चीज पूछी गई तो मैंने ये बात बोली थी कि मैं किसी भी आर्टिस्ट का ना पैरामीटर डिसाइड करने वाले या किसी भी इंसान की सक्सेस का कि जिंदगी में क्या जाना है कि जरूरी नहीं है कोई फिल्म फेयर ही जीते तभी उसको ग्रेट एक्टर बोलोगे आप जी राइट हुँ. तो वो पैरामीटर कभी सेट नहीं करना चाहिए और मुझे एक चीज और लगती है कि क्योंकि मैंने किसी का पैरामीटर सेट नहीं करा बट मैं हमेशा सोचता हूँ ये, काश ये चीज़ अगर कोई करता तो कैसी लगती तो मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैं किसी और पे नहीं छोड़ता वो काम अगर मुझे एक हिप हॉप कलेक्टिव देना था तो मैं खुद उठा और मैंने वो स्टार्ट कर दिया करना कि मैं क्यों सोचूं यार कि कोई और उठे और शायद उसके दिमाग में वो चीज ना आ रही हो शायद वो दूसरी चीजें कर रहा हो बट अगर मेरे दिमाग में आई है इस चीज को कम्युनिटी को ये चीज करने के लिए देने के लिए मुझे प्यार करो नफरत करो दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी बट अगर मैं इस चीज को देखता हूं मैं कहीं भी इसने मेरे करियर में पार्ट प्ले करा है और इफ आई एम गिविंग इट बैक अपने किंग स्टाइल में तो करूंगा और सबसे अच्छा करूंगा तो मैंने खुद से वो चीज कर दी बता आपने ये बात कही बहुत ही आई डोंट सिट एंड वेट

तो हमें exactly नहीं पता कि वो ईगो है या कोई और चीज़ थी थी या क्या नहीं होता अब हो सकता है कि उन दोनों का वो बड़पन और लोगों ने एक टाइम पे अब होता है ना कई बार आप रिएक्ट करते हो किसी चीज पे तो रिएक्शन हुआ हो सकता है लोगों ने चीज समझ ली यार ये या तो परमानेंट एक इंसान किसी के लिए घृणा लेके ही बैठा है और हम सब वी वी ऑल लिव बाय दैट ऑन इंटरनेट स्पेशली या एब्सोल्युटली वी नेवर गो ओके भाई आओ चलो मिलके काम करें हम इंटरनेट पे हमेशा mm -hmm. तू इसका मैं इसका ये चलता yeah. रहता है एंड yeah. जिस 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 बैकग्राउंड से हम आते हैं हिप हॉप से वो है भी थोड़ा <laughs> <Right? laughs> कॉम्पिटिटिव राइट right? तो ये चीज सही है बट मैं हमेशा लोगों से ही बोलता हूं कि फैंस ये जो भी हैं वो चीज इतनी बिटर नहीं होनी चाहिए कि वो आपका फेवरेट आर्टिस्ट है ठीक है मगर जो दूसरा आर्टिस्ट है उसको नुकसान दे yeah. वो इतनी बिटर नहीं जस्ट बहुत बड़ा वर्ड है तो जी. कोई आप मत दो हिट वो उनके आपस की ठीक है वो पब्लिकली चल रही है जो भी चीजें बस मैं फैन से ये करता हूँ और बाकी दोनों यार बड़े हैं उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी ज्यादा म्यूजिक करा है तो उनको ज्यादा पता होगा चीजों के बारे में मैं तो इस पे क्या ही बोलूँ मतलब मेरे लिए तो ड्रीम को लै भी होगी अगर ऐसा कुछ होता है नहीं, नहीं, exactly. बा, very... like, उनसे बात होती है फोन पे बैक एंड फोर्थ मेरी बातचीत ऐसे बात होती रहती है बैक एंड फोर्थ तो मेरे लिए तो दोनों भाई इन रफ्तार भाई से होती रहती है बातें इनसे होती रहती है मैं जिनों को, जिनको दिख के, देख के सुन के बड़ा हूं यूट्यूब hmm. मैं, मैं, yeah, yeah, <laughs> में रोस्ट वीडियोस को बहुत व्यूज मिलते हैं hmm. म्यूजिक में भी डिस्ट्रैक्ट मिलते हैं सो इंटेलिजेंटली

But that's true, no? yeah, I mean, मैं अब इस पर क्या ही सोचूंगा hmm. जिस चीज के बारे में उस टाइम नहीं सोचा और आगे बढ़ गया करके तो अभी वो चीज़ नहीं होती uh, हाँ लोगों को लगता होगा कितना सेफ पे समाज कितना सेफ खेल रहा है ये वो ऐसा नहीं है लाइक फाइटिंग ऑन इंटरनेट डजेंट मेक यू अ गैंगस्टर लाइक आई 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 फील लाइक हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ योर ब्रदर्स बिहाइंड यू एंड गुड फैमिली गुड हेल्थ एंड बढ़िया पैसा if you have all this thing you are the biggest gangster mm. you don't need to write rhymes about it but i feel uh, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बात moral grounds को छेड़ने की नहीं mm. है तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को कोई चीज बोलूंगा और if you are being fool and you are just talking

I'm just being honest, जितना yeah. मुझे पता है please correct me, अगर मैं yeah, बोल रही तो है। <laughs> आप अकेले अकेले काफी <laughs> time तक थे you know, वो तो अभी कभी-कभी yeah, yeah, right? yeah, yeah, yeah. उस हसल के दौरान थोड़ा बिटरनेस रहता है एक mm -hmm. गुस्सा रहता है mm -hmm. कि आपने उस गुस्से को चैनलाइज अपने गाने में क्या जैसा बोल yeah रहे हो बट क्या कभी कभी उस पल को लग के आज भी गुस्सा आता है आज भी रहता है बिल्कुल से ही ले लो हुँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्राफ्ट से अफेक्टेड हूं बट मैं मैंटेलिटी से अफेक्टेड कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूं मेरे को ऐसा होता है कि यार आप लोग अगर अच्छे सोनिक्स और बॉप और अच्छी चीज सुनना चाहते थे मैं वो दे रहा हूं बट यू नो वॉट वो लोग भी वही चीज सुनते हैं बट उनका फर्स्ट नेचर है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना अगेन मैं वही कह रहा हूं ना कि कलाकार के व्यूज दस आए अगर वो कलाकार अच्छा है, तो वो कलाकार अच्छा है वो बड़ा कलाकार है नंबर्स उसके बड़े आते हैं तो दुनिया तब तो अप्रिशिएट करती है यही चीज हमारे कोई आर्टिस्ट अगर ग्रही लेके बैठा होगा ना तो यही लोग जो उसे गाली दे रहे थे यही बोलेंगे पापा जी, सिंपल सा फंडा है और वो लोग लोग नहीं है।

जिस जिन चीजों के साथ मैं बड़ा हुआ हूं ना मैं उन चीजों को लेके चलना चाहता हूं राइट mm. लाइक right? like, मान मेरी जहां मेरी जिंदगी का हिस्सा मतलब जिंदगी मेरी मान मेरी जहां की स्टोरी मेरी जिंदगी नहीं है बट yeah. बाकी गाने जो मैंने मोनोपोली में डाले वो मेरी स्टोरी है तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था तो बीच में थोड़ा सा बट फिर वही है यार अगेन इफ यू आर डूइंग हिप हॉप एक पॉइंट पे आपका मिडिल फिंगर ऊपर ही रहना चाहिए लो, दुनिया के लिए आई डोंट गिव अ डैम व्हाटएवर यू थिंक ज मी इफ आई कैन पुल ऑफ बिगेस्ट को लैब सब लोग अगर मैं ला सकता हूं इट्स नॉट फ्लेक्सिंग दिस इज समय ऑलरेडी डन हो गया है दो तारीख को आ रहा है ठीक है तो अब मैं प्रूवन फैक्ट्स पर ज्यादा मैं काम नहीं कर रहा बट मैं प्रूवन जिंदगी ज्यादा जीनी पसंद कर रहा हूँ क्या मैं बातें नहीं कर रहा मैं अपना काम करता हूँ इफ यू सी मोनोपोली में सिर्फ आता हूँ एक टीजर डालता हूँ उसके बाद अगले दिन ट्रैक आ जाता है फिर अगले हफ्ते नया हुआ है क्योंकि मुझे ये करना है आई डैम अगर आप बोलोगे ये इससे अच्छा नहीं है ये उससे अच्छा नहीं तुम करो कंपेयर करो मैं जहां करके बैठा हूँ देर आ ह्यूज गैप आई कैन नॉट इवन टेल यू मैं चाहता नहीं उन चीजों को कि बट इट्स इट्स गैप अप थिंग्स दैट मी एंड माई टीम आर डूंगा बट रिस्पेक्ट किंग थैंक शब्दों के लिए भी क्योंकि <laughs> लोग नो you know,

वो उतने ही प्यारे हैं वो बिल्कुल बढ़िया हैं उनको के... वो वही ना मतलब यार जो इंसान भारी है उसको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है तो उसके बाद सिर्फ प्यार है देने के लिए जी। तो ये मैंने सीखा जी। आपको ईगो इशू हमेशा छोटे छोटे यहाँ छोटे और बड़े की बात आती है इंसान की आदतों से वो छोटा और बड़ा कलाकार होता है छोटे कलाकारों की खासियत होती है ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है उनका चेक क्यों तो कितना ही बड़ा हो अगर मेरे सामने कोई आर्टिस्ट है जिसका ईगो फ्रेजाइल है वो छोटा आर्टिस्ट है नो मैटर Wonderfully said. I think um it says, but yeah, I think we couldn't end this interview with always so much love and respect thank to you, you King. So much. Please keep up the hip hop game on. We will always support you. Sure. Thank you so much. Thank, thank you so much. You.